संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक बताने से नाराज हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छिंदवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। बजरंग दल के नगर अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अयोध्या में 500 साल किसी और समाज का अधिकार नहीं होता। काशी, मथुरा, ज्ञानवापी में दूसरे समुदाय के लोग अपना अधिकार नहीं जताते। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का विरोध करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे उन्हें सबक मिल सके। संसद भवन में हिंदुओं को हिंसक बोला गया। मैं वो राहुल गांधी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि वह सबसे पहले अपना धर्म बताएं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है जो हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हैं। अगर हिंदू हिंसक होता तो 500 साल तक राम मंदिर में दूसरे समुदायों का कब्जा नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज काशी विश्वनाथ में जो उन लोगों का कब्जा है वो कब्जा नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो कृष्ण मंदिर में कब्जा है वो कब्जा नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज गौ हत्या पूरे देश में जो चल रही है वो हत्या नहीं होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो धर्मांतरण भारतवर्ष में चल रहा है वह नहीं होता। आज जो राहुल गांधी ने यह बयान दिया है उसकी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सकल हिंदू समाज निंदा करता है और यह मांग करता है देश के राष्ट्रपति महोदय जी से कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।